अमरावती कांड का एक और वीडियो सामने आया, दिख रहे हैं दोनों आरोपी। सीसीटीवी वीडियो में हमला करते दिखे आरोपी बाइक पर चलता दिख रहा है तीसरा आरोपी। एनआईए कर रहा है मामले की जांच, पीड़ित उमेश कोल्हे के भाई महेश कोल्हे ने एनआईए अधिकारियों से की मुलाकात। अमरावती और उदयपुर की घटना को लेकर एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता गृहमंत्री से मिले, अब तक कार्रवाई की दी जानकारी। 45 मिनट तक चली मुलाकात, दोनों घटनाओं का लिंक तलाशने की कोशिश। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की हत्या के केस में व्हाट्सएप चैट की एंट्री ब्लैक फ्रीडम ग्रुप का किया गया साझा। आरोपी यूसुफ खान ने डॉक्टर यूसुफ सर के नाम से कोल्हे की पोस्ट को साझा किया था, बाद में इरफान ने हत्या की साजिश रची। एनआईए ने इस मामले में शुरू की कार्रवाई, अमरावती के चार व्हाट्सएप ग्रुप की जांच। एनआईए कर रही है आरोपियों के पास से मिले मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच, फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने जगह जगह पर लगाए पोस्टर्स, आतंकवादी तालिब के बीजेपी के साथ संबंधों के बैनर। अजमेर के सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल, नुपुर शर्मा को लेकर विवादित टिप्पणी। अंजुमन कमेटी के सर्वर चिश्ती ने बयान का विरोध किया है, अपने बयान के लिए खुद होंगे जिम्मेदार। अजमेर के वकील भानु प्रताप को जान से मारने की मिली धमकी, फेसबुक चैट पर चेतावनी। उदयपुर कांड में गिरफ्तार मोहम्मद बोसिन की कोर्ट में पेशी, 12 जुलाई तक रिमांड पर। संबल में होटल का मालिक तालिब गिरफ्तार, देवी देवताओं के फोटो वाले अखबार में मांसाहार बेचने का आरोप। कानपुर हिंसा का आरोपी हाजीवासी गिरफ्तार, जफर हाशमी को फंड देने का आरोप। हिंसा के बाद से फरार चल रहा था हाजीवासी, 4 जुलाई की रात अमौसी एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल पर पुलिस प्रशासन का कड़ा शिकंजा, चलाया गया बुलडोजर। लगातार दूसरे दिन चल रहा बुलडोजर, हाजी इकबाल की 120 करोड़ की संपत्ति जब्त। वही मेरठ में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम का विरोध, बुलडोजर के आगे लेटी महिलाएं। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों के आज कोर्ट में पेशी, 7 दिनों की पुलिस रिमांड। अलीगढ़ में एनएसयूआई का अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन, योजना वापस लेने की मांग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महिला थाना के अंदर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई, मारपीट का वीडियो वायरल। हमीरपुर में वीडियो दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, वीडियो पर मनरेगा का भुगतान नहीं करने का आरोप। उदयपुर कांड पर बवाल जारी है, हनुमानगढ़ी में बीएचपी ने बुलाया है बंद। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर लगाया आरोप, इंस्पेक्टर भर्ती में बड़ा घोटाला। अखिलेश यादव ने की जातीय जनगणना की मांग, अग्निपथ योजना का विरोध किया। पीएम मोदी 7 जुलाई को आने वाले हैं वाराणसी, आज सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। और वहीं दोपहर आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे योगी और सर्किट हाउस में प्रतिनिधियों से मुलाकात भी। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जारी, 14 विधायकों के निलंबन को लेकर नोटिस। संजय राउत ने कहा नोटिस भेजने दीजिए, ये एक प्रक्रिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार आए राजभवन, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात। जबकि नागपुर आए देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहला दौरा। पत्नी अमृता फडणवीस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। बिहार के दौरे पर हैं एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, सभी दलों के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हैं लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान ने अस्पताल जाकर पूछा हाल। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद के घर एसीबी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। ईडी से मिली जानकारी को लेकर छापेमारी, कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। वहीं आंध्र प्रदेश की कांग्रेस नेता सुनकारा पद्मा गिरफ्तार, विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर कर रही थी प्रदर्शन। मुंबई में बारिश के बीच हादसा, विक्रोली में गिरी मकान की दीवार। लगातार 12 घंटे से हो रही बरसात, साइंस सर्कल के पास जबरदस्त जल जमाव। जबकि हिंद माता इलाके में जल जमाव रोकने की तैयारी, बीएमसी कार्यकर्ता मोटर पंप से निकाल रहे पानी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए निर्देश, हालात पर नजर रखे प्रशासन। मुख्यमंत्री शिंदे ने बारिश का अपडेट लिया, एनडीआरएफ अलर्ट पर।
मुंबई में सुबह से तेज बारिश, कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। बारिश की वजह से भर गया अंधेरी सबवे, बंद किया गया सबवे का ट्रैफिक। मुंबई के बांद्रा सायंती जंक्शन के पास भी भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। जयपुर और सैन में भी सुबह से बारिश, शुक्रवार तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जबकि मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, मुंबई में शाम 4 बजे 4 मीटर तक आ सकता है हाई टाइड। टिहरी में भी हो रही है भारी बारिश, किसानों के खेत में आया मलबा। सड़क निर्माण के दौरान लापरवाही की वजह से फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में भारी बारिश, श्रीनगर ले हाईवे फ्लैश फ्लड की वजह से बंद। अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम की वजह से स्थगित। पहलगाम में नूरवान बेस से आगे नहीं बढ़ रहे यात्री। नूरवान बेस में इस वक्त रुके हैं 3000 से ज्यादा यात्री। कश्मीर में सुबह से हो रही है भारी बारिश। देश में कोरोना के मामलों में आई मामूली कमी, नए मामले 13000 से ज्यादा। 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की मौत, 12400 से ज्यादा लोग स्वस्थ हैं। देश में 1,14,000 से ज्यादा सक्रिय मामले, सबसे ज्यादा मामले केरल। दिल्ली में डेंगू के छिटपुट मामले जून में सामने आए हैं, 32 केस। जबकि खरगोन में दर्दनाक हादसा, 3 दिन पहले नाली में बहे बच्चे के शव को 5 से पहले बरामद। कानपुर हाईवे पर 2 रोडरेज बसों की भिड़ंत, 1 की मौत। हादसे में 20 लोग जख्मी हैं, 6 यात्रियों की हालत नाजुक है। जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में 3 ट्रेलर्स आपस में भिड़ गए, ड्राइवर सहित 3 लोग जिंदा चल गए। मध्यप्रदेश के पन्ना में सड़क और पुल नहीं होने से दिक्कत, दमकल दलदल में कुर्सी पर बिठाकर अस्पताल ले गए गर्भवती महिला को। गांव वालों के मुताबिक बारिश के दिनों में हर साल होती है दिक्कत, पुल बनाने की मांग है लगातार। केदारनाथ दर्शन से लौट रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के रहने वाले थे सभी यात्री, 1 की मौत, 3 जख्मी। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा, बद्रीनाथ के पास खाई में जा गिरी गाड़ी। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत, 1 शख्स अब भी लापता। संगरूर में चारा मशीन में करंट आने से हादसा, पिता और पुत्र की मौत। सैलाब का संकट जारी है, 22 जिले में 13,71,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। असम में जानलेवा साबित हो रही सैलाब की विभीषिका, अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से 18 लोगों ने भूस्खलन के मलबे में तोड़ा है दम। जबकि असम के कछार इलाके में सैलाब का सबसे ज्यादा कहर, पलायन को मजबूर हुए लोग। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र, धुबरी और उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं, कटान ने पहुंचाया सबसे ज्यादा नुकसान, कई आशियाने जल में समाए हैं, कई कटान के कगार पर खड़े दिखे हैं। असम में सैलाब पीड़ितों के लिए 18 जिले में चलाए जा रहे 325 राहत शिविर, 51 केंद्रों से किया जा रहा है राहत सामग्री का वितरण। जबकि केरल में भारी बारिश का कहर जारी है, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का जताया अनुमान, भूस्खलन का रहेगा बड़ा संकट। मुंबई और पुणे में भारी बारिश का अनुमान, पहले हुई बारिश से मुंबई के कई इलाके में जल जमाव की स्थिति। भारी बारिश के बाद नवी मुंबई और खंडेश्वर रेलवे स्टेशन में जल भराव का संकट है, यात्री परेशान। सानपारा में भी जल भराव से लोग परेशान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भारी बारिश का अनुमान, एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई। उधर नागपुर में पुलिस की छापेमारी है, शराब की बड़ी खेप जब्त। जबकि कानपुर में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, फोरेंसिक टीम मौके पर। प्रयागराज में हनुमान मंदिर के पास जन्मदिन मना रहे लड़कों में झड़प, बमबाजी में 3 घायल। सहारनपुर में गिरा कच्चा मकान, 1 बच्ची की मौत, 3 जख्मी। मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी कर रहे युवक की पिटाई, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। रत्नागिरी में अर्जुना और गोदावरी नदी उफान पर, राजापुर शहर में सैलाब का संकट, पानी में डूबी सड़कें।
गोवा में भारी बारिश से सड़कें बनी समंदर। पणजी में शहर के मुख्य चौराहे पर जल भराव का संकट दिखा। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, एक जिले में ऑरेंज और दो जिलों में येलो अलर्ट जारी है। जबकि मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में फंसा युवक मछली पकड़ने के दौरान अचानक बढ़ा जलस्तर, 6 घंटे बाद युवक को किया जा सका रेस्क्यू। सिंधुदुर्ग जिले के खारे पाटन बाजार में जल भराव का संकट, प्रशासन ने करीबी इलाके में जारी की चेतावनी।